देखो मुन्नी कब से रो रही है, मुझे शांति से काम नहीं करने दे रही है। कन्या दूध ना कप पाई है क्या? मुन्नी रो रही है। मुन्नी कब से लगता है शायद इसे भूख लगी है। माँ जी अभी तो दूध पिलाया था, बच्चा है तो रोएगा ही। नमस्ते माँ जी। नमस्ते प्रीति। नमस्ते दीदी, बैठिए। तुम्हारी मुन्नी को रोने का आवाज सुनी, मैं रास्ते से जा रही थी, सोची देख लेती हूँ क्यों रो रही है इतना। दीदी पहले मुन्ना कभी इतना नहीं रोता था, शायद इसे भूख लग रही है तो मैं अपना दूध पिला देती हूँ। थोड़े देर चुप रहता है फिर रोने लगता है, लगता है मुझे इसे बुरी नजर लग गया है। अच्छा प्रीति, आपकी मुन्नी कितने महीने की है? 7 महीने पूरे हो गया है, 8वें महीने में है। आपकी मुन्नी 8वें महीने की है और आप सिर्फ अपना ही दूध पिलाती हो? हाँ और क्या। प्रीति आपकी मुन्नी के रोने का वजह पता चल गया है, शायद वो भूख से रो रही थी। भूख से? दीदी मैं तो इसे कितना बार अपना दूध पिला चुकी हूँ। आपको पता है दीदी, बच्चे के 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ कुछ ऊपर से भी दिया जाता है। 6 महीना के बाद से ही, ये बच्चा तो छोटा है, इसका पेट भी छोटा है, ऊपर को खाना खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। अरे माँ जी देखिए ऐसा नहीं, मैं समझाती हूँ। जन्म के समय से 2 साल तक बच्चे का शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ता है। जन्म से 6 महीने तक तो सारी जरूरतें बच्चे को माँ के दूध से ही पूरी होती है। 6 महीने के बाद इन तेजी से बढ़ते हुए बच्चे को सिर्फ माँ का दूध से तो पूर्ति नहीं होता, बच्चे को 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ कुछ ऊपर से भी देना चाहिए, जिसे ऊपरी आहार कहते हैं। इसे समय से शुरू नहीं किया जाए तो बच्चे धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे और इसी तरह रोते रहेंगे। हाँ तो दीदी मैं भी बिस्किट खाता हूँ तो मुन्नी को भी दे देता हूँ, लेकिन मुझे यही लोग मना करते हैं। नहीं भैया ऐसे नहीं, देखिए मैं बताती हूँ, बाजार की चीजें देने की कोई जरूरत नहीं है, मुन्नी को घर में ही बने हुए सभी चीजें खिला सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुन्नी को ऐसा खाना खिलाएं कि आसानी से खा सके और पचा सके, यानी मसला हुआ नर्म और बिना मिर्च का। यही खाना बराबर देने से बच्चा तंदुरुस्त होगा और उसका दिमाग भी तेजी से बढ़ेगा। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, हम भी चाहते हैं कि हमारे मुन्नी तंदुरुस्त और स्वस्थ हो। हमें पता होता तो इसे 6 माह पूरे होने के बाद ही इसे ऊपरी आहार देना शुरू कर देता। हाँ भैया इसीलिए हर महीने 19 तारीख का आंगनवाड़ी केंद्र पर अन्नप्राशन डे मनाया जाता है, जहाँ पर जो बच्चे 181वें दिन के हो जाते हैं और पहली बार ऊपरी आहार दिया जाता है। अरे दीदी आपने बड़ी जरूरी बात बताई, मुन्ने को मैं जल्दी ही खाना खिलाना शुरू कर दूंगी। अब तुम ही बताओ बच्चा के क्या खिलाना है। हाँ जी, जो घर में हो और गांव में आसानी से मिल सके, जो सस्ते हो वही मुन्नी को देना है। जैसे चावल का खीर है, सूजी का हलवा है, दाल चावल है, दलिया है, यही सब बच्चे को देना है। दीदी दाल में साग डाल दे, हरी पत्तीदार सब्जी डाल दे, या उबला हुआ अंडा, मीट, मछली भी दे सकते हैं। बस ध्यान रहे उसे अच्छी तरह मसल कर मुलायम कर फिर मुन्नी को दे। खाना को पता लगाने के लिए कि पतला है या गाढ़ा है, इसको पता लगाने खाने का थाली में रखें
और उसे तिरछा करके देखे कि वो बहे नहीं। दीदी अब ये भी बता दीजिए कब कब कितना खिलाना है। दीदी 6 महीने के बाद 8वें महीने तक बच्चे को दिन में 2 बार खाना खिलाना चाहिए आधी आधी कटोरी करके। दीदी अब तुम पूछोगी आधी कटोरी कौन सी, जो कटोरी 250 ग्राम खाना आ सके उसकी आधी कटोरी। अच्छा दीदी जल्द ही आपकी मुन्नी 9वें महीने में चली जाती है, 9वें महीने से लेकर 12वें महीने तक आधी आधी कटोरी 3 बार खिलाना है। हाँ दीदी 6 से 8 महीने की बच्चे की आधी कटोरी 2 बार खिलाना है। दीदी 9 से 12 महीने की बच्चे को आधी आधी कटोरी 3 बार खिलाना है। हमने ठीक बताया ना? ठीक समझे दीदी। अच्छा माँ जी प्रीति मैं अब चलती हूँ। निकली तो थी पड़ोस में रूपम के घर जाने के लिए, उसके बच्चे का वजन गिर रहा है, उसे देख के आती हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते प्रीति। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। बैठिए, अच्छे हैं आप ही को रातों देख रहे थे। देखिए ना दीदी, मुन्ने को तो आंगनवाड़ी केंद्र पर हमने 2 दिन पहले लेकर गए थे तो वजन करवाए, तो आंगन सेविका दीदी ने बताई कि पिछले 2 माह से मुन्ने को तो वजन थोड़ा ही नहीं बढ़ा है। हाँ मुन्ना तो थोड़ा कमजोर दिख रहा है, उसका उम्र कितना है? दीदी 15 महीना तो मुन्ना को हो गया है। तो फिर आप खाने पीने में मुन्ने को क्या देते हैं? हाँ दीदी हम तो मुन्ना के अच्छे अच्छे चीज खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, डब्बे वाला दूध खिलाते हैं, सब कुछ तो महंगे वाला खिलाते हैं। दिन में तो मुन्ने को 2 बार खिलाती हूँ, बाकी अपना ही दूध पिलाती हूँ। फिर पता नहीं मुन्ने को वजन गिर रहा है, शायद लग रहा है इसका कोई बीमारी तो नहीं हो गया। बीमारी तो कुछ नहीं है दीदी, पर खाने पीने में बदलाव करनी जरूरी है दीदी। बदलाव क्यों दीदी? रूपम तुम जो मुन्ने को दे रही है डब्बे वाला दूध, डब्बे वाला पाउडर, तुम्हारे मुन्ने को बढ़ते हुए जरूरतों को पूरी नहीं कर पाती है। रूपम अपने मुन्ने को जो इतनी महंगी महंगी चीज खिलाती हो, इससे अच्छा तो हरी पत्तेदार सब्जी और मौसमी फल या सब्जी वगैरह दोगी तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे सब्जी में हुआ कद्दू हुआ घीवरा हुआ, फल में हुआ नारंगी हुआ और पपीता हुआ केला हुआ, ज्यादा ये सब तो ज्यादा फायदेमंद है आपके मुन्ने के शरीर और दिमाग के विकास के लिए। पर याद रहे खाने में 1 चम्मच घी या तेल दे, ताकि आपके बच्चे को निगलने में आसानी होगा और बच्चा तंदुरुस्त होगा। नमस्ते दीदी, आप आ गई? नमस्ते दीदी। हाँ दीदी अपने तो अच्छा अच्छा बात बतैली, लेकिन हम सोच रही रह कि इतना खियाने के बाद हमर मुन्ना कमजोर कैसे हो गए। हाँ माँ जी, लेकिन दिन में 2 बार ही मुन्ने को खाना खिलाना काफी नहीं है। 1 से 2 साल तक के बच्चे को दिन में 3 से 4 बार खाना खिलाना है 250 ग्राम वाली कटोरी से पूरा पूरा माँ के दूध के साथ साथ। बिल्कुल समझी दीदी, अब मुन्ने को 3 से 4 बार पूरे कटोरी भर करके खिलाऊंगी। हाँ रूपम, और 2 बातें, खाने में सिर्फ और सिर्फ आयोडीन ही नमक यूज करें, ताकि बच्चे का तेजी से दिमाग और शरीर विकास कर सके।
दूसरी बात, खाना बनाने खिलाने और खाने से पहले बर्तन और अपना हाथ को साबुन से अच्छी से साफ कर दी। अच्छा रूपम, अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ दीदी, अपने तो जाती है, कथी कथी खियब से बता कर जइयो से बच्चा के फायदा होगा। अच्छा दीदी, ऐसी बात है तो ठीक है, जब मैं अगली बार आऊंगी तो बताऊंगी क्या क्या खिलाना है और क्यों खिलाना है जो मुन्ने के लिए फायदेमंद रहेगा। अच्छा ठीक है दीदी, नमस्ते दीदी। 6 महीने से ऊपर के बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ ऊपर से भी खाना खिलाना जरूरी है। छह से 8 महीने के बच्चे को दिन में आधी कटोरी 2 बार खिलाना है। 9 से 12 महीने के बच्चे को आधी आधी कटोरी दिन में 3 बार खिलाना जरूरी है। 1 साल से 2 साल तक के बच्चे को दिन में 3 से 4 बार पूरी पूरी कटोरी खाना खिलाना है। 1 में सिर्फ आयोडीन ही नमक इस्तेमाल करना है। 1 खाना पकाने और खिलाने और खाने से पहले बर्तन और हाथ को अपनी अच्छी से साबुन से साफ करना है।